पंजाब में कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का चेहरा सबके सामने पेश कर दिया है। कल लुधियाना में राहुल गांधी ने बाकायदा अपनी वर्चुअल रैली में चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का ऐलान कर दिया। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी, लुधियाना की रैली के मंच से जैसे ही राहुल गांधी ने पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया, महीनों से चल रहे सस्पेंस पर फुल स्टॉप लग गया। मंच पर राहुल और चन्नी के अलावा नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद थे, जिन्होंने राहुल के ऐलान करने के बाद उनका और चन्नी का हाथ पकड़कर ऊपर उठाकर ये जताया कि पंजाब कांग्रेस में ऑल इज वेल है। कहा जा रहा है एक बहुत लंबी मुलाकात जो है नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के साथ उन्होंने की, बहुत लंबी चौड़ी बातचीत की और उसके बाद गाड़ी में सुनील जाखड़ आगे जो है गाड़ी चला रहे थे, साथ में राहुल गांधी बैठे थे, पीछे चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिद्धू थे और फाइनली उन्होंने यहां पर लुधियाना की वर्चुअल रैली में फैसला सुना दिया है कि चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे। पंजाब में कांग्रेस का सीएम चेहरा कन्फर्म होने का संतोष चन्नी के चेहरे पर साफ दिख रहा था। राहुल का आभार जताया, पंजाब की बेहतरी का वादा किया और ईश्वर को धन्यवाद कहा। आपका नाम राहुल, क्या कहना है आपको? मैं कह रहा हूँ कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, संतन के कारज आप खुलोया, हर काम करावन आया राम। ये पगड़ी मेरे सर पे नहीं रखी गई, ये पंजाब के गरीब मिडिल क्लास फैमिली, किसान, दुकानदार, छोटे व्यापारी, ये सब लोगों के पे ये पंजाब के सिर की पगड़ी है, इसको पंजाब के लोग संभालेंगे। चरणजीत सिंह चन्नी के कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के साथ ही वहां मौजूद उनके समर्थकों में भी उत्साह की लहर दौड़ गई। हालांकि सिद्धू भी मंच पर मौजूद थे और अब तक ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि सिद्धू को अपने नाम की उम्मीद थी, लेकिन चन्नी ने आज तक से कहा कि वो और सिद्धू मिलकर पंजाब को आगे लेकर जाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू के लिए क्या कहेंगे? नवजोत सिंह सिद्धू मेरे बड़े भाई हैं, हम दोनों रलकर और साथ में जाकर दुर्गा पेश हो गई और हम सब रलकर पंजाब को आगे लेकर जाएंगे। राहुल गांधी ने लुधियाना की वर्चुअल रैली के मंच से ये भी साफ किया कि पंजाब को आगे वही ले जा सकता है जिसने गरीबी को देखा है, बदहाली को जिया है और उससे लड़कर आगे निकलने का मादा दिखाया है। चन्नी के नाम पर कहा कि उनके दिल और खून में पंजाब की बेहतरी बहती है, अब पूरा होगा पंजाब को बदलने का विजन। अब ये सब पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर जो हमारा विजन है, पंजाब को बदलने का विजन, उस विजन को पूरा करेगी। नरम पड़ चुके सिद्धू ने भी सभा के मंच पर पंजाब के रण में अपना प्रण दोहराया। शायद कांग्रेस में कभी कभी मेरे खिलाफ आवाज उठती है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की किसी वर्कर के खिलाफ भी आज तक आवाज नहीं उठी। लड़ाई अपनों से नहीं है, लड़ाई पराओं से। इश्क जिनको है वतन से, इश्क जिनको है वतन से, खुद ही को मिटाते रहेंगे, शम्मा महफिल में जलती रहेगी, सिद्धू जैसे परवाने और भी आते रहेंगे। फिलहाल तो पंजाब में कांग्रेस के लिए तस्वीर अच्छी दिख रही है, लेकिन कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है। लुधियाना से सुप्रिया भारद्वाज और कमलजीत सिंह संधू के साथ आज तक ब्यूरो। सत्येन चौहान मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्येन, देखिए यहाँ पर चरणजीत सिंह चन्नी के साथ मंच पर तो जरूर नजर आए सिद्धू, लेकिन ये इनके कैरेक्टर और किरदार से मैच नहीं खाता है। क्या वाकई सिद्धू मान गए हैं या फिर अभी ये एक फेस सेविंग एक्सरसाइज है, आने वाले वक्त में अपने ही पूरे रंग में दिखाई देंगे सिद्धू?
देखिए नेहा, आपको चीजें समझनी होंगी। दरअसल सिद्धू एक तरीके से मजबूर हो गए हैं और उनके पास फिलहाल विकल्प कोई नहीं बचा है। एक तरफ अमृतसर में उनका कड़ा मुकाबला बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के साथ है, तो दूसरी तरफ अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आगे कुआं पीछे खाई है। यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू ना तो अपना नामांकन वापस खींच सकते हैं और ना ही किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। और शायद ये कांग्रेस पार्टी की एक रणनीति थी कि चरणजीत सिंह चन्नी को चेहरा जब घोषित करेंगे तब नवजोत सिंह सिद्धू के पास किसी तरह का कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसीलिए 6 तारीख का दिन रखा गया क्योंकि 4 तारीख आखिरी दिन थी जिस दिन नामांकन वापस लिया जा सकता था। और कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी में अब इस तरीके से इसको प्रचारित किया जा रहा है, चेहरा घोषित किया है कि जैसे चुनाव जीत लिया हो। और रही नवजोत सिंह सिद्धू की बात, नवजोत सिंह सिद्धू खामोश जरूर है, मंच जरूर उन्होंने साझा किया है, लेकिन आप थोड़ा सा पीछे उनके इतिहास में जाएंगे तो इसी तरीके से उन्होंने चंडीगढ़ में अजय माकन और बड़े नेताओं के सामने मंच साझा किया था जब उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा सौंप दिया था। तो नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट करना, कुछ भी पहले से कहना कहीं ना कहीं ना समझी होगी। और जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू रिएक्ट करते हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, वो किसी भी मौके पर कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो माहौल बन रहा है उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू के पास अब विकल्प नहीं बचा है। अगर वो चुनाव भी छोड़ते हैं तो उनको ये कहा जाएगा कि वो बिक्रम मजीठिया से डर गए, क्योंकि बिक्रमजीत मजीठिया को नवजोत सिंह सिद्धू ने चैलेंज देके अमृतसर ईस्ट विधानसभा में बुलाया है।